फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल जियो इंडिया और मैं अभी जा रहा हूँ ले पेंगोंग लेक से आया हूँ और ये चांगला पास है जिसकी हाइट 17,688 फीट है। लो भाई बाड़को देख लो, यहाँ है पेंगोंग झील, हिंदुस्तान की सबसे मशहूर झील। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 9 जून और दिन संडे और मैं हूं अभी पेंगोंग लेक के बैंक पर, पेंगोंग लेक के किनारे। ये मेरे पीछे पेंगोंग झील और यहां हमने रात बिताई थी। ये है टेंट, टेंट नंबर 1। ये देखिए टेंट के अंदर का नज़ारा। ये टेंट, एक बेड इधर है और एक इधर है, सिंगल सिंगल। और बाइक भी रेडी है मेरी चलने के लिए। अब हम जा रहे हैं पेंगोंग झील की ओर, थोड़ा सा आगे तक भी जाएंगे, देखेंगे कैसे क्या नज़ारे मिलते हैं यहाँ पर और उसके बाद फिर हम वापस ले की ओर जाएंगे। तो चलते हैं पेंगोंग झील के पास। दोस्तों अभी सुबह के 8 बजे हैं और हम पेंगोंग झील के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। देखते हैं झील के नजदीक जाने के लिए रास्ता कहां से मिलता है। नुब्रा वैली के कंपेयर में यहां ठंड बहुत ज्यादा है और रास्ते भी खाली खाली मिल रहे हैं। ये पेंगोंग लेक 150 किलोमीटर लंबी पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है, जिसका 1/3 भाग लद्दाख में और 2/3 भाग तिब्बत में है और ये लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। ये देखिए, इस रास्ते पर कच्चे पहाड़ हैं जो टूट टूट कर बिखरते रहते हैं और कई बार ये रास्ते को ब्लॉक भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ के नज़ारे एक नंबर के, गजब। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू पेंगोंग लेक। यह पेंगोंग झील, विश्व विख्यात वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक, जिसका 1/3 पार्ट इंडिया के पास है और 2/3 भाग चाइना के पास है। उधर चाइना जाएगा आगे और ये जो 1/3 पार्ट है ये इंडिया के अंडर में है। अभी 1/3 पार्ट बहुत आगे तक है क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। इसमें आगे अभी 3 गाँव और पड़ेंगे जो स्पांगमिक, मान एंड मेरक, जो इसी झील के किनारे पर है। हम वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रुके थे और अभी हम बिल्कुल झील के बिल्कुल किनारे आ गए हैं। रोड पीछे जा रहा है। अभी यहाँ थोड़ा सा फोटो सेशन करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। नहा तो सकते नहीं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड है, जैसे बर्फीला पानी होता है वैसा पानी है इसका, तो इसमें हाथ डालने से हाथ सुन्न हो जाता है। ये झील के साथ साथ आगे इंडो तिब्बत बॉर्डर है और ये झील ऐसे ही आगे तिब्बत तक फैली हुई है और भारत का पड़ोसी देश चीन इस क्षेत्र को विवादित मानकर इस पर अपना हक जताता रहता है। लेकिन भारत की ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इस क्षेत्र की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहती है। जय हिंद। शायद अब हम पहुंच गए हैं पेंगोंग झील के किनारे पर बसे पहले गाँव स्पांगमिक में। ये रास्ता झील के पास किनारे पर जा रहा है। ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ होम स्टे भी किया जा सकता है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम पहुंचे हैं स्पांगमिक। स्पांगमिक जो पहला गांव पड़ता है इसी झील के किनारे। ये देखे पीछे झील है, ये है पेंगोंग झील और इसके किनारे ये पहला गांव। पीछे 2 कैंप है, टेंट हाउस, जिसमें एक पहला तो जिसमें हम रुके थे और दूसरा एक रास्ते में मिला था, शायद वो 3D पॉइंट है, वहाँ भी जाके देखते हैं।
और इस गांव में आने का मकसद ये था कि यहाँ के गांव भी देख लेते हैं कि कैसे गांव है यहाँ पर। तो चलो अब चलते हैं अपने वापस। पेंगोंग लेक के पास लद्दाखी याक की सवारी भी की जा सकती है। ये बहुत सारे याक खड़े हैं यहाँ पर और ये देखो एक छोटा सा कैंपिंग टेंट लगा हुआ है, आई थिंक दो बंदों का। काश हम भी अपना टेंट लेकर आते और पेंगोंग लेक के किनारे लगाते। खैर चलो आगे बढ़ते हैं झील की ओर। यह है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। इसका पानी थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नमक का पानी पी लिया हो, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा खारा पानी। खारे पानी की झील ये। ये झील के किनारे रोड के साथ साथ खुदाई करके नालियां बना रखी है ताकि कोई भी अपना वाहन झील के बिल्कुल पास किनारे तक न ले जा सके। लेकिन हिंदुस्तान के लोग कहां मानने वाले हैं, अपनी गाड़ियां झील के किनारे ले ही जाते हैं। दोस्तों लद्दाख प्रांत में नुब्रा एंड पेंगोंग के कंपेयर में ज्यादा ब्यूटीफुल है पेंगोंग तसो। दोस्तों तसो एक तिब्बती शब्द है जिसका मतलब है हिंदी में झील और इंग्लिश में लेक, जैसे तसो पेंगोंग, तसो क्यागर, तसो मोररी, तसो कर वगैरह वगैरह। और पेंगोंग तसो यहाँ की सबसे बड़ी, सबसे गहरी, सबसे लंबी झील है। इसका किसी भी नदी से कोई संपर्क नहीं है। यह झील समुद्र तल से 4,500 मीटर या 14,500 फीट की ऊँचाई पर स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊँचाई प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। और खारा पानी होने के बावजूद यह झील सर्दियों में पूर्णतः जम जाती है। अब पेंगोंग को बाय बाय करते हैं, फिर मिलेंगे पेंगोंग तसो। अभी मैं आया हूँ पेंगोंग लेक से, बिल्कुल पैक हो गया हूँ क्योंकि हवा में बहुत ज्यादा ठंडक है, ठंडी हवा लग रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शाम 5 बजे तक लेह पहुंच जाएंगे। अभी आ गया पार्टनर भी आ गया, चलते हैं। चलो 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 ओके। आ गए हैं हम टैंक से चेक पोस्ट पर। एक बार फिर से परमिट की एंट्री करानी होगी। चलिए यहाँ फिर से सॉफ्ट कॉपी दिखाते हैं। तुरबुक पुलिस पोस्ट टैंक से टूरिस्ट इन आउट चेक काउंटर। हाँ इस पे लिखा है ना वैलिड फॉर पेंगोंग। हाँ ये बहुत ही खराब रास्ता है चांगला पास जाने का, पत्थर, पानी, बर्फ। बी केयरफुल। फिर से स्नोफॉल शुरू हो गई है और पार्टनर भी बहुत आगे निकल गया है और चांगला यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर रह गया है। बाइक आराम से चढ़ रही है। So
सड़क के इन गड्ढों की वजह से धीरे धीरे चलना पड़ रहा है और मौसम भी बार बार अपना मिजाज बदल रहा है। जून के महीने में पूरी चांगला घाटी बर्फ से ढकी पड़ी है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। वाह, ये देखो नजारे, 10 से 15 फीट की आइस वॉल, अमेजिंग व्यू इन लद्दाख इन माय इंडिया। ये हैप्पी जर्नी। ये सामने चांगला पास है, ले से पेंगोंग जाने के लिए चांगला मेजर माउंटेन पास है और इस माउंटेन टॉप पर चांगला बाबा मंदिर भी है और इस पर्वतीय दर्रे की ऊंचाई लगभग 5400 मीटर है। सर्दियों में हैवी स्नोफॉल के कारण ये माउंटेन पास भी बंद कर दिया जाता है। वेलकम टू चांगला पास। दोस्तों फाइनली मैं चांगला पास पहुंच गया हूं और चांगला पास की हाइट है 17,688 फीट, जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास रोड है और मेरा साथी काफ़ी आगे निकल गया, वो रुका भी नहीं, उसको देखते हैं पकड़ा जाएगा या भाग जाएगा। और ये मेरी बाइक पहले दूसरी गिर में चढ़ी है, यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त लगानी पड़ी क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी थी। और ये पीछे मंदिर बना, चांगला बाबा मंदिर, और चांगला बाबा मंदिर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर मैं जा नहीं रहा क्योंकि साथी आगे निकल गया है काफ़ी, उसको पकड़ना भी है नहीं तो भाग जाएगा वो। तो चलते हैं अब आगे, चांगला पास भी देख लिया। कोई पल्सर मिली थी रास्ते में? पल्सर नहीं कहता, बहुत बाइक थी। अकेला लड़का था, पल्सर चला था? लड़के तो बहुत ही अकेले, पर पल्सर का भी नहीं देख सकता। अच्छा अच्छा, बाइक नहीं देखी ना। अच्छा, हम पहुंच गए हैं इंडस वैली और इस जगह का नाम है कारू। ये सामने ले मनाली हाईवे, शायद मेरा साथी यहां भी नहीं रुका। चलो ले चलते हैं, शायद वो ले पहुंच गया होगा और ले यहां से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है। दोस्तों ये रास्ता सिंघू नदी के साथ साथ लेह तक जाता है। सिंघू नदी यानी इंडस रिवर मेरे लेफ्ट साइड में है और अभी शाम के 4:30 बजे हैं। मैं अभी लेह पहुंचने वाला हूं, आज रात लेह सिटी में ही स्टे करूंगा, कल देखते हैं। मनाली वाला रास्ता अगर खुल जाता है तो मनाली से चलेंगे, नहीं तो कारगिल श्रीनगर के रास्ते से ही दिल्ली जाएंगे। अब मैं पहुंच गया हूं ले, अपने साथी को ढूंढता हूं कहां पर है वो। और दोस्तों आप बताइए कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही जियो इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।